शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा है। ऐसे में हर हिंदू के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के मुताबिक अगर भक्तों की सेवा से माँ प्रसन्न हो जाती हैं, तो आपको सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। यहाँ तक कि माना जाता है कि अगर माँ का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपका कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता है। तो आइए आपको माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन पर होती है। ये शिव जी की अति प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा करने पर भक्तों को शिव शंकर की कृपा खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। वहीं ब्रह्मचारिणी माँ का दूसरा रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। वैसे इनके नाम का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। वहीं ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से व्यक्ति में धैर्य और संयम की वृद्धि होती है। इसके साथ ही चंद्र घंटा माँ का तीसरा रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। इनकी पूजा करने से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने के अलावा उच्च पदों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माँ शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन होती है। साथ ही स्कंद माता माँ का पांचवा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पांचवें दिन होती है। कहा जाता है इनके आशीर्वाद से भक्तों को सीधे मोक्ष मिल जाता है। कात्यायनी माता माँ अम्बे का छठा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन होती है। इसके साथ ही कालरात्रि माँ का सातवां स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के सातवें दिन होती है। महागौरी माँ अम्बे का आठवां स्वरूप है, जिनकी पूजा आठवें दिन होती है, और ये पूजा मुख्यतः स्त्रियों के लिए बड़ी लाभदायी होती है। माँ का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है, जिनकी पूजा अंत में होती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।